रायपुर में सैकड़ों ट्रेनें रद्द होने को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों हैं, जिसको लेकर भाजपा के रायपुर सांसद सुनील सोनी का पलटवार किया है, जहां उन्होंने कहा कि आज 3 साल हुए हैं राज्य सरकार एक सिटी बस चालू नहीं कर पाई है। आज 3 साल हुए एक सिटी बस चालू नहीं कर पा रहे। रोज जो है वो सैकड़ों सिटी बस जो है कंडम हो रही है, करोड़ों रुपया जो है राज्य का बर्बाद हो रहा है, उसमें केंद्र का भी शेयर है। उसमें 100 बसें मैंने भी महापौर के जब था तब लेकर आया था, कंडम हो रही है, चला नहीं पा रहे, आरोप लगा रहे। ट्रेनें रद्द हो रही है, ठीक है, हम भी दुखी है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं, सभी सांसद हम मिलकर बात कर रहे हैं, हम दबाव भी बना रहे हैं, थोड़ी नाराजगी भी व्यक्त की है हम।